हम बात कर रहे हैं सेल की, SAIL सेल की बात करें आज के दिन की, तो हमको इसमें 3% के ऊपर की गिरावट के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। और हम देख सकते हैं स्टॉक ने 124 के लेवल से अगेन रिजेक्शन लेता हुआ हमको नज़र आ रहा है। और इस रिजेक्शन के साथ 120 का जो एक इसका तगड़ा सपोर्ट जोन था उसको भी ब्रेकडाउन देता हुआ हमको नज़र आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अभी थोड़ा यहाँ सावधान रहना होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने हमको हायर हाई पैटर्न बताया था, हायर हाई पैटर्न यहाँ से दिखा रहा था जब गिरावट आई थी 120 तक की, और यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक हुआ था। तो इस बाउंस बैक के साथ इस हाई को 126 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाना इम्पॉर्टेंट था, लेकिन स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है 124 के लेवल से, गिरावट आई है और इस गिरावट के साथ अपने इस रिसेंट लो को स्टॉक ब्रेकडाउन कर चुका है। अब हमको कल नज़र रखना है इस पर, अगर यहाँ से स्टॉक जंप बताता है 120 के आसपास तक और वहाँ से रिजेक्शन लेके अगेन इस लो को ब्रेकडाउन करता है, तो वैसी कंडीशन में फिर हमको लो और लो पैटर्न यहाँ देखने के लिए मिल सकता है, एक हमारे लिए खतरे की घंटी, एक गिरावट का सिग्नल हो सकता है। तो इस वक्त हम अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला हम देख सकते हैं 118 का लेवल, क्योंकि यहाँ इसने रिजेक्शन फेस किया था, गिरावट बताई, 114 के लेवल सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक होकर हमको ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आया था 118 के लेवल को, तो इमीडिएट सपोर्ट इसको ब्रेकडाउन कर जाता है। तो 114 का लेवल नेक्स्ट सपोर्ट का रोल प्ले करने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पर बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो स्टॉक, और तो ये अब सपोर्ट का काम करने वाला है 114 का लेवल, और स्टॉक जब तक 109-110 के ऊपर है तब तक बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है। अब बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक को 124 के लेवल को ब्रेकआउट करना होगा, इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन होना होगा बड़ी तेज़ी के लिए। 124 के ऊपर ब्रेकआउट का आप इंतज़ार कीजिए, अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो वैसे कंडीशन में ये जो इसका हाई है वो भी ब्रेकआउट करके हमको स्टॉक 130 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो अब यहाँ थोड़ा इंतज़ार करना है स्टॉक के 124 के लेवल के ब्रेकआउट का। वीडियो जो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।